Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज बहुत 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 टाइम बाद मैं दोबारा से ब्लॉग बना रहा हूँ। बीच में कुछ मसरूफियात ऐसी हुई थी, कुछ मेरे काम ऐसे फंस गए थे जिसकी वजह से मैं इस पर टाइम ही नहीं दे सका, लेकिन आज मैंने सोचा कि हम दोबारा से ब्लॉग बनाते हैं। सब टाइटल तो आपने देख लिया होगा ब्लॉग किस हवाले से कैसा है। तो आज थोड़ा पिकनिक का इवेंट था, फैमिली पिकनिक थी, मैंने सोचा उसी के साथ साथ हम एक ब्लॉग भी बना लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, बताइएगा भाई कि कैसा बनाया और हमारी पिकनिक कैसे रही, और आप लोग जब पिकनिक पे जाते हैं तो आप लोगों की पिकनिक कैसी होती है, क्या क्या करते हैं, और फैमिली कैसी होती है, कौन फैमिली में थोड़ा चिरंदी होता है, कौन फैमिली में कोऑपरेटिव होता है, क्या कमेंट्स में ज़रूर आप लोगों को बताना है। अभी मैं बस सो के ही उठा था, जस्ट मैंने बोला यहीं से ही हम इब्तदा करते हैं अपने ब्लॉग की। बस फिर ये है कि आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना है, मुझे देखते रहना है, जुड़े रहिएगा, आगे देखिएगा कि क्या क्या होता है। सो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी पिकनिक पे जाने के लिए, तैयार हो गया हूँ, बस जल्दी से शूज़ पहनना है मुझे, और क्योंकि मामू भी आ चुके हैं, मामू मुझे पिक करके फिर हम जाएंगे बस वाले के पास, तो मामू मुझे पिक करना है, बस वो बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। मैं जल्दी से शूज़ पहनूँ भाई, अब मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी, शूज़ वूज़ भी पहन लिए, बस अब फटाफट से बाहर मामू वेट कर रहे हैं और हम निकलेंगे सीधा बस को लेने। नागन से इस रोड से निकलोगे, अलहाज वाला रोड है ना, रेस्टोरेंट वाला, सर्विस रोड से लेके जाना है इसको, मेहरान के सामने। सही है, और इसको आप वहाँ निकालोगे, बस बिल्कुल रेडी है, हम बात कर रहे हैं, मैं इस बस में बैठ के कंडक्टर बन के सबको लेता हुआ जाऊँगा। लोकेशन ऑन कर ली है, जिन जिन को हमें पिक करना है हम यहाँ से गूगल लोकेशन के जरिए वहाँ पर पहुँचेंगे। हम अगर यहाँ से घुमा लें ना, ऐसे घुमा के ना, ये सर्विस रोड से ले लेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग बस अपने गली से बाहर आ जाओ, हाँ बस बाहर आ जाओ गली से आप लोग। सही है, रिलेटिव फॉर्म का फ़ोन आया था, उनके साथ लेडीज हैं कुछ सामान वामान उठाने, तो अब उनके यहाँ चलते हैं। पार्टी जो है सब गेट पर खड़े हुए बाहर ही, वो इंतज़ार कर रहे हैं। भाई देखो मेरे पास सबूत है कि मैंने क्या भेजा है। बस भाई बस, गाना क्यों रोक दिया यार, चला के चला के इश्क की फकीरानी। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, यहाँ से हमारी गाड़ी फंस जाती तो वो हमारी बस है। सामान जो है हमने इस चिंची के अंदर लगा ला है, ऑब्वियसली सी बात है बस यहाँ पे फंस जाती। रोड देखें आप कैसे, अंदर कुछ रहा तो नहीं? नहीं मामू कुछ भी नहीं रहा, अभी एंट्रेंस ले रहे हैं अंदर। तो मामू फार्म हाउस कौन सा है हमारा? फार्म में फार्म हाउस आदि। हाँ जी, सही घुसे पर कीचड़ की वजह से बस आगे नहीं आ सकी थी, तो बता दिया। बोला हालिया बारिशों की वजह से खराबी हो गई, सैलाब जदगान की वजह से। ये पूल है इसका, पूल सही है भाई, लेडीज के हिसाब से भी सही है, जेंट्स के हिसाब से भी सही है, और साइज अच्छा है, यानी जेंट्स वाला एरिया ज्यादा ब्रॉड है और लेडीज वाला उससे कम ब्रॉड है, लेकिन सही है, सही है, आइडियल है। मामा जो अभी गंदा हो रहा था पानी, जो ये इसकी सफाई के लिए मैंने कह दिया, और मजीद ये कि थोड़ी देर में आप ये देखेंगे कि इसका लेवल मैंने कहा है कि कम से कम 6 इंच जो है ना पानी मजीद इसके अंदर डालो, एक तो फ्रेश वाटर आ जाएगा और बाकी क्लीनिंग होने के बाद ये बिल्कुल बहुत आइडियल हो जाएगा इंशाल्लाह। पूल तो दिखा दिया मैंने कि पूल कैसा है, अब फार्म हाउस दिखाता हूँ, फार्म हाउस में क्या क्या सीन है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये है बच्चों के लिए। आओ आओ मैं और दिखाऊंगा। ये पहला रूम, हवा दूसरा रूम, यहाँ पे अटैच एक नान का सिस्टम और यहाँ पे आप दूसरा सिस्टम कर सकते हैं, तो ये तीसरा रूम है, बहुत बड़ा है।
परफॉर्मेंस कराया क्योंकि हमारे फैमिली के मेंबर थे 50 कितने थे भाई 55 उनके हिसाब से हमें रखना था क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि खाने का हमारा लॉन भी कितना बड़ा है किस हिसाब से लॉन भी खाना मुझे पूछना है भाई हमारे लोगों का क्रिकेट का तो रखते हैं हम लोग ताकि क्रिकेट तो खेलते हैं क्रिकेट का नहीं रखा चार नामों सरदार नामू मामू क्रिकेट के बारे में बताएं क्रिकेट का हम क्या करें यार क्रिकेट कैसे खेलेंगे हम लोग जगह ही नहीं यहाँ पे क्रिकेट खेलने की वो आमिर मामू जो आमिर सभी को बोल रहे थे ना ऑफिस बनी हुई है छोटी वाली वो बनी हुई है वो वाली उस साइड पे वक्त हम हादी फार्म हाउस पे हैं और स्पेस इज गुड इनफ एंड वी फाइंड द पूल इज इन एल शेप एंड I think that the capacity of the pool is good enough to capacitate 60 to 70 people easily. The cleaning process is going on at the moment. They are cleaning the pool and I have asked them to raise the level of the pool for at least 6 inch more. Coming. अभी हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। शानामो अभी खाने का है ना? खाने में चेक करेंगे हम कौन ब्रेकफास्ट हम लोग लेके आए हैं कौन क्या क्या लेकर आया है जी जी मामू आप टेस्ट करके बताएंगे मैं लेके आया हूँ हाथी के पाए हैं बच्चों को लेके आए और बत्तख की कलेजी है और मुर्गी का मगज फ्राई और वो सिर्फ ये मामू ही खाएंगे शानामो आप कढ़ाई भी लाए भूल गए मच्छर की कढ़ाई खाना कब खुलेगा खाना कब खाएंगे बताएंगे भाई कौन कैसा खाना लाए अरे कमो ये किसके घर से ये हमारे घर से है ये भी हमारे घर से है ये हमारे घर से है ये दही ये लोग लेकर आए खाएंगे तो बताएंगे बना बना इधर ही बना इधर भी बना 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 भाई सब कुछ बना क्या है क्या कौन है बाहर निकल गया आप क्या लाई है मैं कढ़ाई लाई हूँ मुँह के अंदर ले जाओ कढ़ाई लाई हूँ और मिलाई हूँ आप अपने अपने पराठे लाए चूरन रखो बेटा भैया पहले पहले पूरे मेरा सैंडविच सैंडविच खा के हम चेक कर रहे हैं कैसे पहली दफा आई है क्यों मतलब फर्स्ट टाइम मैं आई थी मदर से पहले जब हम आए थे ना तब मैं आई थी सिराज में लेकिन वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था क्योंकि मैं पूल वगैरह में गई नहीं थी और अब जो मैं आई हूँ वो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी तरीके से एंजॉय करूँगी और मेरा भी चैनल है आप लोग प्लीज़ उसको लाइक करें नहीं नहीं ये वाला काम नहीं करना बस बिल्कुल करना है वरना आपने इसके चैनल को नहीं करना ये वाले काम के अलावा जो जो ये कह रही हैं सब कर लें हमारी भांजी के चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल और दिल खोल के लाइक करें और ये भांजे के आज जो ये भांजे के कढ़ाई लेके आई है भाई भांजे के भांजे के भांजा इसको तो बिल्कुल भी ना देखा इसको तो बिल्कुल ना देखे थे हमारा भांजा माशाल्लाह बहुत अच्छा है इन दोनों के व्लॉग बहुत अच्छे हैं इनको आप लोग देखें लाइक करें आपका टाइम अच्छा पास होगा जो है मेरा लिंक डाल दीजिएगा सामा प्लीज ताकि मैं आपका भी डाल दूँ ये नहीं हो सकता तो फिर मैं आपका भी नहीं डालूंगा अच्छा अच्छा हो जाएगा क्या 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 हम दोनों के चैनल के लिए आज मामू जो है वो डांस करेंगे करेंगे पैसे ये कमाएंगे हमारे लिए मामू को करना पड़ेगा हम दोनों के चैनल के लिए सपोर्ट के लिए ठीक है ना जी और अभी हम सब लोगों के नाश्ते का टाइम हो गया है किरण अभी आपको ऐसा लगता है हमें मामू डांस करेंगे तो हो जाएगा कुछ ना कुछ नहीं मतलब क्या कुछ ना कुछ हो जाएगा मतलब
स्विमिंग पूल से बाहर आ जाएगा, बादल हट जाएंगे, क्या ऐसा होगा मुझे जरा बताएं। आप बताएं, मैंने माधुरी को मैंने सिखाया। किसको? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को मैंने डांस करना सिखाया। आजकल जो मशहूर है ना, उसके बाद करियर तबाह, करियर तबाह हो गया उसके बाद। माधुरी आप क्या कह रही हैं? तो मेरे मुंह के अंदर, अरे इसमें दूरी आएंगी, आप गलत कर रहे हैं। हाँ, और मैं यहाँ आई हूँ आंटी के तखत पर, टेबल तो है नहीं, और बहुत सारी चीज़ें जो है माशाल्लाह आंटी बना कर लेके आई हैं, सब ने बहुत बहुत अच्छी एफर्ट करी है, सब ने बहुत मज़े का खाना बनाया है। लेकिन आपने उसका तो बताया नहीं, रिजवान भाई का तो कुछ बताया नहीं। क्या बताऊँ रिजवान भाई का? बोल रही थी ना, कुछ छापा मारा है मैंने, कुछ रिजवान पे छापा मारा है कि रिजवान आंटी के पास आके पैनकेक खा रहे हैं। अच्छा था यार, बहुत मजे का था। मुँह के अंदर ले जाओ। और जानबूझी कह रहे हैं कि पीछे आएगी, बिगड़ो। यार देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज उसामा के सब्सक्राइबर्स या फुटबॉल से प्लीज डेली लाइफस्टाइल एंड कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसकी वजह से ये किरण से लड़ रहा है कि मुझे लागे तो ऐसा रिजवान को मसला ही हो रहा है, किरण के साथ में आ रहा है। सही बात है, सही बात है। इंतजामिया, आप सिर्फ इंतजामिया की कौन चेक करें, आप देखें ये इंतजामिया की प्लेट में पूरी देह है माशाल्लाह, पूरी देह है इसके अंदर। बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करना है। ब्लॉग मेरे बना मेरो, अपने 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 चैनल को बोले जा रही है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल ये करो। नहीं नहीं, उसके जो है वो सब्सक्राइब हुआ और मोनेटाइज हुआ है चैनल उसामा। देखिए आप, देखिए आप कैसे झूठ चुके हैं और जगह नहीं मिल रहा। ये चेहरे से जो तुम्हारा रूप उड़ा है ना, ये झूठ बोल बोल के उड़ा है उसामा। बहुत ज्यादा जो है तुम झूठ बोलने लग गए। हाँ जी, बोला तुम्हें मोनेटाइजेशन हो गई तुम्हारी शुरू। जैसे ये बोला था लाइव आया हूँ। तुम लाइव नहीं हो? नहीं यार, तुम तो मेरे साथ क्या कर रहे हो यार, प्रैंक पे प्रैंक कर रहे हो। ये लाइव वाला, ये लाइव वाला प्लान बहन का, ये बहन ने बनाया था। लाइव वाला मेरी तरफ से था, चाहते कि लाइव बोलो। मैंने अब जो बचा मैंने देखा ना उस पे लिखा है गोद में, आपको उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे? भाई दोबारा ट्राई करो, एक ट्राई में क्या हुआ यार, एक ट्राई में क्या होता है यार, एक ट्राई में क्या होता है। सारे चेंज करो भाई, अब हो गया है। हमने बहुत सारी यहाँ पे तस्वीरें वगैरह खींच ली, आपको पूल वूल भी दिखा दिया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, भरपूर हमने अभी तस्वीर का एक फ़ोटो सेशन हुआ है पूरा यहाँ पे। अब सीन ये है कि भाई हमारी बैटरी हो गई है, मोबाइल की बैटरी हो गई है पूरी लो। अब हम जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं सन, कपड़े वपड़े चेंज करने जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे सीधा कहाँ पे सन, पूल में दिखा दो पूल, सीधा पूल हमारी पार्टी इंतजार करेगी, सीधा जाएंगे पूल के अंदर। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद सीधा पूल के अंदर, कपड़े वपड़े चेंज करके। मोबाइल चार्ज पे लगा दिया था, हम बना नहीं सके कि हम कब कैसे पूल के अंदर आए, हमने कितनी मस्तियाँ करी। दो तीन अब आपको झलकियाँ दिखाते हैं हमने कैसी कैसी मस्तियाँ करी है यहाँ। Ready, break set, pull set, go. Yes. क्या बोल ही रखता है, वीडियो चल रही है, बोल दो कुछ ना, एडिट हो जाती है। नहीं ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमने बोला क्रिकेट वगैरह खेल लें।
पे हो रहा है हमारा कैरम, जिसमें प्रो प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा जीत रहे हैं नंबर होते हैं वही हैं। अरे कमो क्या स्कोर है आपका? 60 65 65। शाह नमो आपका क्या स्कोर है? पता नहीं। मैंने अपना गेम दे दिया शहनाज नामू को, क्योंकि मुझे इतना अच्छा खेलना नहीं आता, लेकिन शहनाज नामू है प्रो, शहनाज नामू मुझे जितवाएंगे। शहनाज नामू नहीं जितवाया ना अगर बेइज्जती नहीं करवाऊं यार बेइज्जती हो गया हूं। भजन क्या हुआ, भूख लग रही है, खाना खाओगे? यार बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, और खुशबू से तो घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो जाएगा मुझे। अच्छा शहनाज नामू आपको भूख लग रही है? जी क्या कहा? भूख लग रही है आपको? अबे यार भूख नहीं लग रही, लेकिन पैसे दिए हैं, पैसे दिए पूरे तो करने पड़ेंगे ना, क्या करें भूख। हाँ वो बिल्कुल सही है, पैसे दिए तो पूरे करने पड़ेंगे बिल्कुल। चलो मैं दुआ कर रहा हूँ, दुआ अल्लाह इन शैतान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजल अलैना मिन सबाए जलील खाने को बिस्मिल्लाह करें। मामू टेस्ट करके बताना पड़ेगा कैसा है ये बलोची टिक्का, कैसा है? अरे कामू कैसा है? अच्छा नामू कैसा है? अच्छा है मज़ेदार। अच्छा खाने दो भाई। यार कब खाओगे यार? कैसा है? मज़ेदार। वो लोग सब अभी नहा रहे हैं, सही है। और मेरा कुछ ऐसा था कि भाई मेरे फट नहाना था, वो इस वजह से क्योंकि मुझे हो जाती है पानी से एलर्जी, ज़्यादा देर बैठ के नहा लेता हूँ ना मैं तो हो जाती है एलर्जी मुझे। तो अभी ये लोग सब पूल के अंदर ही हैं और मैं गया हूँ, और मैं जाके आहिस्ते मेरा तो आहिस्ते आहिस्ते झूला झुलाओ, इतना तेज मम्मी को आहिस्ते झुलाओ, आहिस्ते आहिस्ते और आहिस्ते और आहिस्ते। हाँ तो भाई अगर मैं ज़्यादा देर नहा लेता हूँ इस पानी के अंदर तो मुझे एलर्जी शुरू हो जाती है, चेहरे पे हाथों पे सब जगह खारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से सबसे पहले मैं एक ही दफ़ा नहाने गया हूँ, मैंने क्रिकेट खेला, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करे हैं नहा के। पिकनिक पे ये होता है कि बंदे को एक तो खुशी भी होती है कि पिकनिक पर आ रहे हैं, मज़ा भी आता है उससे। दूसरी चीज़ ये कि यार बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, आँखों में जलन, आँखों में नींद, ऐसी हालत हो जाती है कि बस बंदा कहता है बस अब जल्द से जल्द यहाँ से निकले। वो तो खैर हमारा 12 घंटे का था, तो हम लोगों ने इतना सफ़र कर लिया 12 घंटे में। अगर यही हमारा कोई समझा आप 24 घंटे वाला होता जो डे नाइट होता है, तो सर मुझे नहीं लगता कि फैमिली के साथ कोई डे नाइट इतना स्टे कर सकता है फॉर्म हाउस पे, क्योंकि जितना हम लोग 12 घंटे अम्मी हम लोग 12 घंटे में ही पूरे हो जाते हैं ना अम्मी। हाँ 12 घंटे इनफ है, 12 घंटे इनफ होते हैं, लेकिन पता नहीं 24 घंटे वाले भी होते हैं यहाँ पे कि भाई 24 घंटे पूरा फॉर्म बुक करते हैं कि ये लड़कों के लिए सही होता है कि पूरे। हाँ पूरी रात के लिए एक अलग चीज़ है, पूरी रात पूरी रात बंदा लड़कों के साथ रह सकता है, लेकिन फैमिली के साथ बहुत मुश्किल। नहीं बेटे नहीं, ये आ गई हैं हमारी कुल्फियाँ। नहीं नहीं बेटे ले जाना। अच्छा इसमें कोई मसला नहीं, वो नहीं ढक्कन वगैरह नहीं है क्या? ऐसी खानी है? नहीं स्टिक नहीं होती यार, तुम अच्छी अच्छी जगह से कभी नहीं खाई क्या? अच्छी जगह से खाई जब भी बता रहे हो। ओह मतलब मैंने नहीं खाई, क्या तो बताऊं यार ये पिघल रही है, चख रहे हैं चखे नहीं है पूरी हड़प तस्बिया। ये देखो जैसे तस्बिया ने उड़ाई है फुल, बड़ी अच्छी बात है कि कर रही है। अब तो कई दफा नहीं खा रहे आप, तब के नहीं। वाह वाह वाह, हम लोग यहाँ पे आए हुए फॉर्म हाउस, अब हम करीब आ जाओ, अरे आ जाओ या। अब हम यहाँ से फार्म हाउस से जल्दी से बस फारिग हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे? मैकडॉनल्ड पे डबल चीज बर्गर एक मेरा सही। आप कौन सा बर्गर खाती हैं? हाँ नहीं मैकडॉनल्ड का मैकडॉनल्ड बर्गर नहीं है आपको? आपको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? मैकडॉनल्ड ये हमारी फैमिली में थोड़ी सी है, कुछ गरीब लोग भी हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ गरीब, क्योंकि हमने एक अपने पहले आईफोन खरीदा इसलिए हम गरीब नहीं हैं। तो भाई अब इब्तदा में अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फॉर्म हाउस से बाहर, आखिरी चेकिंग कर रहे हैं जिन और सारे बच्चों को समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक तो बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं और बच्चे भी होते हैं सब होते हैं, तो
उन सबको देख के और ले के चलना पड़ता है ताकि कोई किसी के साथ मतलब कुछ भी ना हादसा ना पेश आए, कोई मसला ना हो जाए। सबका ख्याल रखना पड़ता है कि किसी को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, एहतियात से सबको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जब पूरी फैमिली के साथ आते हैं ना तो फिर इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। अभी बस ये है कि बस वहाँ से ये लोग सब निकल रहे हैं बाहर, बच्चे बच्चे, तभी इतना शोर की आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा उनसे हट के आया हूँ ताकि थोड़ा शोर कम हो जाए। वो लोग निकलेंगे वहाँ से, बस जिन दिन की तैयारी हो गई है वो वहाँ से तैयार होकर बस में जाके बैठ रहे हैं। बाकी ये है कि हम फाइनल चेकिंग वगैरह करेंगे, देख लेंगे अंदर कोई किसी का सामान या कोई कीमती अशिया ऐसी ना हो जो रह गई हो, ताकि हम वो जो भी हो उठा लें। फिर हम फाइनल तो चेकिंग हमें ही करनी है ना, हमने इनका भी उठा लिया होगा इनका भी उठा, हमें फाइनल चेकिंग तो करनी है ना। दो तीन चीज़ें कम निकलेंगी, कुर्सी उठा लो बेटा, ये अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, कुर्सी उठा लो। चलो यहाँ फ्रिज, फ्रिज इम्पोर्टेंट है, फ्रिज से देख लो। नहीं भाई हमारे वाले कुछ नहीं छोड़ दे यहाँ। हेलो भाई, चलो 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 नवेद आमो आ जाओ ना, एक आम फ्रिज गाड़ी में बैठ रहे हैं, लेकिन व्लॉग का इख्तिताम जो है वो हम बस में ही करेंगे। व्लॉग बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत ही ज्यादा बड़ा बन चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। वो खड़ी हमारी गाड़ी, ये हमारी पूरी पलटन जा रही है, पूरी पलटन गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन हम व्लॉग को एंड करेंगे इंशाल्लाह घर पहुंच के। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way. तो वही finally मैं आ चुका हूँ घर पे। और बहुत बुरी आप लोग हालत देख रहे हो, कैसी हो रही है, बहुत बुरी हालत है, ऐसी हालत हो रही है कि भाई अभी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं, बस ऐसा है कि बस जाऊँ हूँ मैं सो। तो खैर यार, आप लोगों को ये बताना है कि भाई हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको, मज़ा आया नहीं आया, ऐसा ही चीज़ आपको डिटेल में बतानी है भाई, कमेंट में बतानी है आपको कि भाई हमें कैसा लगा। खैर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा अगर दिल करे, नहीं दिल करे तो बस देख के चले जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।